आज की जो क्लास है इसमें हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। पीएचपी में, पीएचपी में जो स्विच स्टेटमेंट है उसको हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास, बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास तीन विंडो यहाँ पर ओपन है। पहला जो विंडो है यहाँ पर, ये कंट्रोल पैनल है जैम्प सर्वर का, जिससे हम पीएचपी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें मैंने जो अपाचे और माई एसक्यूएल का जो सर्वर है उसके सर्विसेज स्टार्ट कर दिए, उसने प्रोसेस आईडी और पोर्ट नंबर को कैप्चर कर लिया है। हमारा जो जैम सर्वर है वो डी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, और अभी फिलहाल अपाचे जो सर्वर है और माई एसक्यूएल सर्वर है दोनों के दोनों रन हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर, जब सर्वर रन हो रहे हैं तो मेरा जो सर्वर सॉफ्टवेयर है मेरे सिस्टम पर है, इसलिए लोकल होस्ट पर जाने पर ये मुझे डैशबोर्ड डिस्प्ले करता है। तो अब हम इसमें डिप्लॉयमेंट की बात करें तो हमारा जो डी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर है उस पर हम जाएंगे। तो मैं इसमें जाकर आपको दिखा देता हूँ कि डी ड्राइव में जैम्प फोल्डर में आपको एक हमने डिप्लॉय किया है अपना पीएचपी फाइल। तो यहाँ पर आपको एच टी डॉक मिलेगा। एच टी डॉक में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैंने साई नाम का एक फोल्डर बना रखा है, और इस फोल्डर के अंदर आपको अपना जो पीएचपी फाइल्स हैं वो दिखाई देंगी। तो हमने ये टेस्ट टू नाम की जो पीएचपी फाइल है उसको नोटपैड के एडिटर में यहाँ पर ओपन कर रखा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये लास्ट क्लास में हमने लूप का कुछ एग्जांपल बनाया था, जिसमें हमने स्टाइल टैग लगाकर बॉडी जो है उसका कलर रेड किया था, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया था, और बॉडी के अंदर मैंने पीएचपी टैग लगाया था। पीएचपी टैग ऐसा ओपन करते हैं, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और पीएचपी, और राइट एंगुलर ब्रैकेट से हम बंद करते हैं पीएचपी टैग को। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने पीएचपी टैग में यहाँ पर एक लूप का कोड किया था, जिससे हमने पैटर्न प्रिंट कराया था। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ पर सेव करेंगे और जब यहाँ पर हम इसको लोड करते हैं, लोड करने के लिए हमको इसका लोकेशन देना होगा। लोकेशन हमारा है साई, और साई फोल्डर के अंदर है टेस्ट टू डॉट पी एच पी। आपको पता है कि पी एच पी का कोड अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपका जो एक्सटेंशन होता है वो पी एच पी फाइल से आपको सेव करना होगा, अदरवाइज कंपाइलेशन नहीं होता है। तो पी एच पी फाइल को आप अलग से बना करके उसको ऐड कर सकते हैं इसमें एच टी एम एल में। क्लियर? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने पी एच पी टैग को लगाया है, और एग्जीक्यूट करने पर पूरा ब्लैंक आ रहा है। तो हमारे पास बेसिकली अब हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, स्विच केस के बारे में उसके कंसेप्ट भी देखने वाले हैं, और हमारे पास तीन विंडो यहाँ पर रन हो रहे हैं। बैकग्राउंड में ये अपनी सर्विस दे रहा है, सर्विस देने वाला जो प्रोग्राम है वो है जैम्प का कंट्रोल पैनल। यहाँ पर सर्वर स्टार्ट है, ये बैकग्राउंड में होगा। ये हमारा एच टी डॉक के अंदर सेव किया हुआ एक फाइल है टेस्ट टू डॉट पी एच पी। यहाँ पर हम अपना कोड करेंगे, पी एच पी का कोड लिखेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ पर जब उसकी लोकेशन को लोड करेंगे तो आउटपुट हमें दिखाई देगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्विच केस के लिए। स्विच केस को मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है, या मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज तब किया जाएगा जब मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है, जैसे वीक डे नेम आपको सेलेक्ट करना है, आपका आज का कौन सा दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे, सात में से कोई एक दिन सेलेक्ट करना है, या आपको मंथ सेलेक्ट करना है जनवरी फरवरी। इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल होता है सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जिससे हमसे काफी आसानी से समझ में आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं मल्टी वे ब्रांचिंग या स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट को। तो हमारे पास कई ऐसी कंडीशंस आएंगी जब हम कोड डेवलपमेंट सेक्टर में जाएंगे, वहाँ पर हमको मल्टीपल चॉइस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम स्विच केस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम वीक डे नेम वाला जो एग्जाम्पल है उसको करके देखते हैं। तो चलिए आइए हम उसको करते हैं। उसके पहले हमने स्विच केस का सिंटेक्स समझना है। तो पहले हम स्विच केस का सिंटेक्स समझ लेते हैं कि पीएचपी में स्विच केस का सिंटेक्स कैसा होता है। लगभग पुरानी लैंग्वेजेस जैसे जो कॉमन सिंटेक्स है वही स्विच केस का सिंटेक्स यहाँ भी होता है। हमको लिखना होता है स्विच और ब्रैकेट लगाना होता है। मैं फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी कर दे रहा हूँ। स्विच केस का जो सिंटेक्स है वो आपको इस तरीके से फॉलो करना होगा कि आप लिखेंगे स्विच और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करना होगा।
इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी केसेस बना सकते हैं, एन केसेस, जीरो टू एन केस आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केस डिजाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने केस जीरो लिखा। केस बनाने के लिए आपको यहाँ पर कोलन लिखना होगा। PHP में कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, जैसे आप केस को यहाँ पर केस नंबर ना देकर के कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। ये एडिशनल चीजें हैं पुरानी लैंग्वेज की अपेक्षा। तो मैं यहाँ पर केस वन, केस टू, केस, और मैं ऐसा डैश करके, ये सिंटेक्स दिखाने के लिए हम ऐसा डैश कर देते हैं। इसका मतलब केस वन टू थ्री फोर और कई केसेस यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केस एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। केस एन लिखने के बाद हम यहाँ पर लास्ट में एक और केस बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस जो होता है ये तब होता है जब हमारा ये जो इंडेक्स, यहाँ पर एक इंडेक्स दिया जाता है, इंडेक्स जो है वो कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इंडेक्स में या तो इंडेक्स लिखिए या एक्सप्रेशन लिखिए, ये इंडेक्स में जो भी आप चीज देंगे वो इन केसेस से मैच करेगा। जो केस मैच होता है, जैसे ये इंडेक्स वैल्यू जो है इससे मैच होगी तो सिर्फ केस वन रन होगा। यहाँ पर 10 केस बने हुए हैं बट केस वन ही रन होगा। मल्टीपल ब्रांचिंग की खासियत ये होती है कि उसमें केवल एक ही केस रन होता है। अगर आप हजारों केस भी बनाए तो एक टाइम पर एक एग्जीक्यूशन में केवल एक केस ही रन होता है। और कौन सा केस रन होता है? जिसकी इंडेक्सिंग मैच होती है। तो यहाँ पर आप इंडेक्सिंग को रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि वन वन को दो बार नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो जिस केस के इंडेक्स से मैच होगी सिर्फ वही रन होगा। अदरवाइज अगर कोई भी केस का इंडेक्स मैच नहीं होता है तो इस तो डिफॉल्ट केस रन होता है। यानी कि इन केसेस के अलावा अगर कोई दूसरी इंडेक्स वैल्यू दी जाए तो ये आपका डिफॉल्ट केस या केस एल्स भी कहा जाता है। ये एग्जीक्यूट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपके स्विच स्टेटमेंट का। तो मैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कोड ये करना चाहते हैं कि मैं अगर इंडेक्स में वन दूं तो पहला केस रन हो और उसमें संडे आए टू देने पर, मंडे आए थ्री देने पर, ट्यूजडे आए, ऐसे ही सेवन देने पर, सैटरडे आए और एट और नाइन टेन अदर वैल्यूज देने पर इनवैलिड इनपुट ऐसा आ जाए। क्लियर? तो ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं इसमें। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं डी नाम का। डी नाम का जो वेरिएबल है इसमें हम वैल्यूज देंगे, ये इंडेक्स के रूप में हम पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें वन दे दिया। अब यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फटाफट कर देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं बनाता हूँ केस वन, और आपको पता है केस वन में मुझे कुछ प्रिंट करना है तो यहाँ पर इको स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो मैं इको स्टेटमेंट में संडे लिख दूंगा, और इको स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पर ब्रेक, सेम आप देख रहे हैं कि सिंटेक्स बहुत मिलता जुलता है पुराने कुछ लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस है। तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं 7 times कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या 8 times चाहिए मुझे। तो 2, 3, 4, तो मैंने इसको 8 times जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको हम फटाफट बनाते जाते हैं। केस वन में संडे, केस टू में मंडे, केस थ्री में, अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बस सिंटेक्स चेंजेस चेंज हो रहा है। यहाँ पर प्रिंट एफ लिखते थे या सी आउट लिखते थे, ये चेंजेस हो रहे हैं। ट्यूजडे फोर में वेडनेसडे, फाइव में थर्सडे, सिक्स में गड़बड़ हो गया क्या, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 5 में, जो लास्ट वाला है इसको हम डिफॉल्ट केस बनाएंगे।
यहाँ पर हमने देखा कि केसेस हमने बना लिए हैं और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज किया है, तो बहुत सिंपल सा जो तो इसका स्ट्रक्चर है काफी सिंपल सा है। और यहाँ पर हम जब इसको लोड करेंगे, हमने डी की वैल्यू इंडेक्स में पास करनी है। देख रहे हैं कि मैंने डी की वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स में पास की, और डी में जो वैल्यू हम देंगे उस प्रकार से हमें आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर है? यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू अगर 1 दी है तो लोड करने पर देखिए संडे आ रहा है। ये वैल्यू हम रैंडमली भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर 1, 2, 3 देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ये स्ट्रक्चर समझना है। ये वैल्यू हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। यूजर जो भी वैल्यू सेलेक्ट करता है किसी भी माध्यम से, वो कीबोर्ड से टाइप करता है, किसी माउस से सेलेक्ट करता है, या किसी भी माध्यम से वो सेलेक्ट करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कंप्यूटर को मल्टीपल स्टेटमेंट्स बताए हैं या मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। ये ऑप्शन है कि आप संडे मंडे इनमें से कोई भी एक वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो जब भी हमको मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मल्टीवे ब्रांचिंग, जिसको स्विच केस कहते हैं। और ये सेम काम लैडर इफ से भी होता है। लैडर इफ और स्विच बिल्कुल सेम होते हैं, केवल लैडर इफ की कोडिंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने के लिए स्विच केस बनाया गया है। लैडर इफ इक्वल टू स्विच केस। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे मैंने 2 किया तो यहाँ पर आएगा आपका मंडे, हमको इसको सेव करना होगा और यहाँ पर लोड करना होगा। तो ये आपका आउटपुट जो है मंडे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कलरफुल और आपका दिख रहा है बड़ा फॉन्ट, वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि हमने स्टाइल दिया हुआ है, सीएसएस लगाया हुआ है यहाँ पर, कि कलर इक्वल टू रेड और साइन साइज इक्वल टू 24। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 200 दे देता हूँ तो वो ये जो केस है वो इससे मैच नहीं होगा, इससे मैच नहीं होगा, इससे मैच नहीं होगा, किसी से भी मैच नहीं होगा, ये डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हमने स्विच केस का स्टेटमेंट देखा। इसको मल्टी वे ब्रांचिंग भी कहा जाता है।